Hello dear students, today I am going to teach you our revision part chapter 3. So here बच्चों जैसे कि हमने chapter 1 से 5 तक complete किए, फिर हमने chapter 1 2 का revision देखा, अब आगे chapter 3 उसका revision सभी concept और exercise देखते हैं. Chapter 3 जिसका नाम more on work. वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें कैसे वर्ड वर्ड प्रोसेसर वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, आप वर्ड में यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर रिज्यूम सीवी बायोडेटा मेल पॉच बना सकते हो, टेबल भी बना सकते हो, काफी सारे ऑफिशियल बिजनेस होम पर्पस स्टडी पर्पस वर्ड के इस्तेमाल है. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर और जस्ट बिटवीन. आपको जब टाइप करते हो टेक्स्ट पैराग्राफ करते हो तो पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो और उसका अलाइनमेंट लेफ्ट राइट या सेंटर और जस्टिफाई रख सकते हो सेट कर सकते हो. उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, इस पे लाइन स्पेसिंग देखा, सिंगल 1.5 लाइन सिंगल एंट्रीज एग्जैक्टली मल्टीपल इस तरह की लाइन स्पेसिंग कर सकते हो. फिर हमने स्पेसिंग देखा, फिर इंडेंटेशन देखा, इंडेंटेशन पे उसके टाइप देखे जैसे कि फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हैंगिंग इंडेंटेशन लेफ्ट इंडेंटेशन एंड राइट इंडेंटेशन. फिर बच्चों हम पेज फॉर्मेटिंग देख रहे हैं जिसमें पेज फॉर्मेटिंग पहले हमने इंसर्टिंग पेज ब्रेक में पेज ब्रेक देखा, फिर इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर जिसमें कैसे हम हेडर और फुटर पेज में डाल सकते हैं वो देखा, इसके बाद पेज नंबर इंसर्ट करना देखा पेज में, फिर हमने सेटिंग पेज मार्जिन जैसे पेज के मार्जिन सेट कर सकते हो नॉर्मल नैरो मॉडल्स वाइड, ठीक है. फिर सेटिंग पेपर साइज कैसे पेपर की साइज आप A4 लीगल एनवेलॉप ठीक है एक्सिक्यूटिव A5 अलग अलग किस्म की आप पेज टाइप और पेपर साइज सेट कर सकते हो. फिर चेंजिंग द पेज ओरिएंटेशन जिसमें कैसे पेज के ओरिएंटेशन बदल सकते हो, पेज के दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं एक लैंडस्केप और दूसरा बॉर्डर. फिर हमने कॉलम फॉर्मेटिंग देखा कैसे कॉलम को फॉर्मेट कर सकते हो, 1, 2, 3 लेफ्ट और राइट भी 5 तरह के यहाँ कॉलम फॉर्मेटिंग. फिर हमने एंडनोट्स और फुटनोट्स देखा कैसे एंडनोट्स और फुटनोट्स आपके पेज में या डॉक्यूमेंट्स में कैसे एंडनोट्स फुटनोट्स आपके डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हैं, इंसर्टिंग सिंबल्स कैसे आप डिफरेंट सिंबल्स आपके डॉक्यूमेंट में पेज में कर सकते हो. फिर हमने ड्रॉप कैप देखा जिसमें आप फर्स्ट लेटर को कैसे इनिशियल लेटर को कैपिटल बाकी सबको स्मॉल ऐसे रख सकते हो ड्रॉप कैप देखा. तो बच्चों ऐसी सारी चीजें मेन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखे थे चैप्टर 3 में, तो उसके बाद हम रिवीजन पे एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पर है चैप्टर 3 की एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 टिक द करेक्ट ऑप्शन. कैसे आप सही ऑप्शन को टिक करना है, 3 ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन को क्वेश्चन के मुताबिक पढ़कर आंसर टिक मार्क करना. Which of the following refers to the placement of a paragraph with respect to the left and right margins? जिसमें 3 ऑप्शन पैराग्राफ अलाइनमेंट स्पेसिंग इंडेंटेशन. यहां पर फर्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ अलाइनमेंट जो हमारा आंसर रहेगा. बी देखिए Which of the following is the default page orientation in Word?
of the following information can be added in the header or footer area of the document? Header or footer area of the document is the first option text, second option pictures, third option both of these. Answer third option both of these. D. Dekhiye, which of the following tabs contains the option for inserting footnotes in a document? First option home, second option insert, and third option references. So answer third option references. E. Dekhiye, which feature of the word allows you to display the first letter of paragraph in larger font? Jaise humne aaj baat ki, first option bracket, second option gap, third option last one. So first option bracket is our answer. Question 2, fill in the blanks. Blanks fill up karni hai sahi answer ke saath. A. The blank refers to the space to be left before and after paragraph. जिसमें आंसर आएगा फर्स्ट ब्लैंक में इंडेंट INDENT. सेकंड ब्लैंक इन ब्लैंक इंडेंटेशन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ स्टार्ट्स एट द लेफ्ट मार्जिन एंड द रिमेनिंग लाइंस आर इंडेंटेड. उसमें आंसर आएगा हैंगिंग HANGING. सी द वैल्यू इंसर्शन ऑफ अ पेज ब्रेक इज नॉन एज द आंसर Hard page break is our answer. D. Dekhiye, to insert the page numbers in a document, comma, click blank button in the header and footer group on the insert tab. Sahi answer hai blank pe answer page number. E. Dekhiye, click blank button in the page setup group to change the paper size. Answer size SIJ. F. Dekhiye, the blank refers to the direction. In which page is printed. Answer is orientation. G. What allows you to insert blank in a document which cannot be typed from the keyboard? Answer is symbols. Question 3. Write T, capital T if the given statement is true, and capital F if it is false. True have capital T and false have capital F box name. First option A. Dekhiye, first statement line spacing refers to the space to be left before and after paragraph. Galat hai, false F kar dijiye. D. Dekhiye, indent refers to the extra space between the text and the left and right margins. Answer T, capital T, true answer. C. Automatic start of a new page in Word is known as a soft page break. Answer sahi hai, bilkul sahi hai. Tick mark kar diye, T, capital T. D. You can insert pictures in header area but not in footer area. Bilkul galat hai, false kar diye. E. Orientation button is present on the insert tab. बिल्कुल गलत है. ई में फॉल्स कर दीजिए. एफ, यू कैन क्रिएट अ मैक्सिमम ऑफ 12 कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट. बिल्कुल सही है, कैपिटल डी. एफ में कैपिटल डी. जी, एंड एंड नोट्स अपीयर्स एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट. बिल्कुल सही है, कैपिटल डी. फिर क्वेश्चन फोर आंसर क्वेश्चन तो आपने अपने हिसाब से कुछ में से ढूंढकर लिख ली होगी. तो उसके बाद बच्चों क्वेश्चन चैप्टर 4 भी देख लेते हैं. चलो चैप्टर 4 का भी रिवीजन कर लेते हैं, साथ में कंप्लीट हो जाएगा. वर्ड भी ये है, यूजिंग मेन वर्ड्स इन एमएस. चैप्टर 4 का नाम है कैसे आप मेन वर्ड्स
वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे आप मेन मर्ज कर सकते हो। मेन मर्ज क्या है, उसके कंपोनेंट्स, थ्री मेजर कंपोनेंट्स। मेन मर्ज के तीन कंपोनेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। फिर हमने परफॉर्मिंग मेन मर्ज, कैसे मर्ज को मेन मर्ज को कंप्लीट किया जाता है, कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट एनालॉग कवर या एनिमेशन का बना सकते हैं वो देखा, उसकी सभी प्रॉपर्टी और ऑप्शन देखा। उसके बाद बच्चों उसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं साथ में, पेज नंबर 42 चैप्टर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच स्टेप कंटेन्स द ऑप्शन टू परफॉर्म मेन मर्ज, आंसर आएगा मेलिंग। सेकंड ऑप्शन बी है ना, जो मेलिंग आंसर आएगा मेलिंग। डी देते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेन डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, आंसर नोटिसेस। थर्ड ऑप्शन आपकी बुक में होगा, आंसर नोटिसेस। सी देखिए, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सोर्स इज रिप्रेजेंटेड इन द मेन डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट फील्ड्स नॉन एज फर्स्ट ऑप्शन मेन मर्ज फील्ड्स, मेन फील्ड्स, थर्ड ऑप्शन डेटा फील्ड्स। सो मर्ज फील्ड्स फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर। डी देखिए, द नंबर ऑफ मेन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मेन मर्ज इज, आंसर क्या आएगा, 3, सेकंड ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। सो बच्चों क्वेश्चन 1 पूरा, क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स। ए, ब्लैंक फीचर्स अलाउ यू टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिपीटेड इंफॉर्मेशन विद द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिफरेंट डेटा फ्रॉम ईच डॉक्यूमेंट, आंसर इज मेन मर्ज। फर्स्ट में मेन मर्ज, सेकंड ब्लैंक डी ब्लैंक, द ब्लैंक कंटेन्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ text and graphics that is to be repeated in all the documents, answer the main document। See देखिए, the blank contains information which is different for each individual document, answer is data source। See में data source की देखिए, the start main merge button is present in the blank group, आंसर स्टार मेन मर्ज। ठीक है, क्वेश्चन टू पूरा, क्वेश्चन थ्री देखते हैं। राइट द क्वांटिटी इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज एफ इट इज फॉल्स। इसमें ए से लेकर ए तक 5 स्टेटमेंट देखते हैं। ए, द मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिपीटेड इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, गलत है, बिल्कुल गलत है, एफ बिकॉज फॉल्स है। बी देखिए, द डेटा सोर्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच इज डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है, कैपिटल टी फॉर ट्रू। सी देखिए, यू कैन नॉट क्रिएट अ डायरेक्टरी यूजिंग द मेन मर्ज ऑफ वर्ड, बिल्कुल गलत है, कैपिटल एफ फॉल्स। डी, द मर्ज डॉक्यूमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन डॉक्यूमेंट एज वेल एज डेटा सोर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है, कैपिटल टी कर दीजिए। ई, व्हाई परफॉर्मिंग मेन मर्ज कॉमा यू कैन यूज एन एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए मेन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है, कैपिटल टी। क्वेश्चन फॉर आंसर द क्वेश्चन, जो आपको अपने हिसाब से बुक्स में लिखने हैं ग्रुप तक जो हमने बोला था। तो बच्चों ऐसे आज हमारे इस लेक्चर में रिविजन पार्ट में चैप्टर 3 और 4 एक्सरसाइज के साथ अच्छे से रिवीजन किया। नेक्स्ट चैप्टर 5 का रिवीजन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।